Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube English Literature channel. Today we are going to discuss about the poem Sin, which has been written by Farrokhzad. ठीक है, सबसे पहले हमें इनकी फरोखज़ाद की बायोग्राफी के बारे में डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि अगर इनकी बायोग्राफी, इनकी हिस्ट्री, इनकी मूवमेंट और ये जिस एज में थी उसको डिस्कस करेंगे, देन ही हम बात कर सकेंगे कि इन्होंने किस वे में, किस स्टाइल में अपनी पोइम लिखी है द सेम. क्योंकि अपेरेंटली अगर इस पोइम को देखा जाए तो सेक्सुअलिटी टच इसमें नज़र आता है. ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बायोग्राफी पढ़ें तो उसमें बताया जाता है कि इनको एक रिबेलियन वीमेन करार दिया गया है, जिसकी बेस पे इनकी पोइम्स जो हैं, इनको कहा गया है कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल से भरी हुई हैं. ठीक है, और उसको जिलावतन कर दिया गया था. और फिर अगर इस लिहाज से देखेंगे उसको जिलावतन कर दिया गया था, तो कुछ टच जो है इसका नज़र आता है इन चीज़ का, मुल्क से मोहब्बत का और अपने वतन की मोहब्बत में जो इसके जज्बात थे उनका इसकी इस पोइम में, बल्कि जो इसकी बाकी पोइम्स हैं उनमें भी नज़र आता है. ठीक है, और इसमें दिखाया जाता है कि एक विमेन की पेन किस तरह की है. इसने, ये ईरान की एक राइटर थी, तो इसने ईरान की विमेंस को बहुत ज़्यादा बोल्ड कर दिया था अकॉर्डिंग टू हर सोसाइटी. ठीक है, बहुत ज़्यादा बोल्ड कर दिया था, बहुत ज़्यादा इसने मतलब वेज प्रोवाइड किए थे विमेंस को, सेक्सुअलिटी पे उतर आई थी, जिसकी बेस पे इसको जलावतन कर दिया गया. ठीक, अब इसकी बहुत 16 ईयर्स ओल्ड में परवेज़ नामी शख्स से, जो कि एक स्टेरिस था, ठीक है, उससे शादी हो गई थी. बट इसने जो पोइम लिखी है द सिन, जब ये 20 ईयर्स की थी तब इसने पोइम लिखी है ये. और एक राइटर हैं, एक क्रिटिक हैं, जो कहती हैं कि जब मैं इनका इंटरव्यू कर रही थी है फरोखज़ाद का, तो क्या हुआ कि मुझे ये लगा कि मेरे सामने एक औरत नहीं बैठी हुई, एक लड़की बैठी हुई है. बिकॉज शी वॉज टीन एजर, शी इज़ जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड. कोई भी इतनी बुरी औरत नहीं थी जिसने इतना एक्सपीरियंस कर लिया था लाइफ को कि इस तरह की बोल्ड किस्म की पोइम्स लिख सकती. ठीक है, अब ये एक्सपीरियंस उसको किस तरह आया, वार्ड्स से, जिस तरह ह्यूमंस को हरेस किया जाता था, उनको समझ सिर्फ यही आने लग गया था कि वी जस्ट मेड फॉर फिज़िकल अटेंशन, वी जस्ट मेड फॉर रिलैक्सेशन फॉर मैन. ठीक है, उनका और कोई मोटिव नहीं था. और इसी लिहाज से यही टच इनकी पोइम द सिन में भी नज़र आता है, जिसकी बेस पे इनको रिबेलियन करार दे दिया गया. अब इनकी थोड़ी बायोग्राफी मज़ीद डिस्कस करते हैं. इनकी डेट ऑफ बर्थ, शी वॉज़ बॉर्न ऑन 29 दिसंबर 1934 इन ईरान एंड डाइड February 30, 1967. So young when he was died. आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी यंग एज में कोई किस तरह मर सकता है. इनको कोई भी बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से इनकी डेथ हुई है. ठीक है, अब ये बहुत इन्फ्लुएंशियल राइटर थी, पोइट थी, अब फिल्म मेकर भी थी, फिल्म डायरेक्टर भी थी. ठीक है, और मॉडर्निस्ट पोइट कहलाते. अब मॉडर्न मैन, आपको अगर आपने मॉडर्न एज पढ़ी हो, उसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हो, तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसकी एक ये भी करेक्टरिस्टिक है कि उसमें बंदा जो है वो एलिनेट होकर रह जाता है. ठीक है, बहुत स्ट्रेस में होता है, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, रिलेशनशिप गैप आ जाता है, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा वो दुनिया से कट ऑफ होकर रह जाता है. ठीक है, उसके रिश्तों से, उसके फ्रेंड्स सर्कल से, हर तरह से वो एलिनेट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है. वो इसका मतलब है कि मॉडर्न मैन या मॉडर्न वीमैन ये स्ट्रेस में आ गए हैं, वो साइकोलॉजिकली इफेक्टेड है.
क्योंकि उनको समझने वाला कोई नहीं होता, उनको सुनने वाला कोई नहीं होता। तो फिर इसी तरह ये भी बताया जाता है कि जब इन्होंने इनकी एक है द कैपिटिव, एक इनका कलेक्शन है पोइम्स की, वो इनके हस्बैंड ने, हस्बैंड और फादर ने इतनी ज़्यादा मीन थे, इतनी ज़्यादा रूडली या कंजर्वेटिव माइंड के बंदे थे कि इन्होंने ये पोइम्स जो है वो पब्लिश ही नहीं करवाई थी। क्यों? क्योंकि वीमेंस को इज़्ज़त नहीं दी जाती थी, वीमेंस को राइट, वीमेंस की राइटिंग को भी इज़्ज़त नहीं दी जाती थी, क्योंकि उनको लगता था कि वीमेन कुछ भी नहीं है, इनको कोई ज़रूरत भी नहीं है रैशनलिज्म की, रैशनल एजुकेशन की। इवन वाइट वीमेन के साथ भी यही हाल था, ठीक है, ब्लैक के साथ तो होना ही था, वाइट के साथ भी उन्होंने यही हाल किया हुआ था। फिर इनकी एज 41 में नहीं, 32 में इनकी डेथ हो गई कि ओवरटर्न की वजह से, कार ओवरटर्न की वजह से, क्योंकि स्ट्रेस में थी और स्ट्रेस में ही ये ड्राइव कर रही थी जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। सही है, अब इनकी पोएम की तरफ चलते हैं। द सेन आई सेन अ सिन फुल ऑफ प्लेयर In an embarrassed which was warm and fiery. I sinned, surrounded by arms that were hot and evangine and iron. अगर इसके फर्स्ट पैराग्राफ को ही देखा जाए जिसमें वो सिन को फुल ऑफ प्लेयर कह रही है, ठीक है, कहती है कि मैंने एक गुनाह किया है, मुझे पता है मैंने कमिट किया है, लेकिन वो मुझे उसका कोई शर्मिंदगी नहीं जाहिर हो रही। इस पूरी पोइम में आपको शर्मिंदगी जाहिर नहीं होगी। ये स्टार्ट में ही सेक्सुअलिटी नज़र आ रही है, स्टार्ट में नज़र आ रहा है कि कोई फिज़िकल रिलेशन चल रहा है, ठीक है। वो कहती है कि मैं उसकी मतलब जो फार्म एंड हॉट और फायरी आर्म्स थी उनमें रहते हुए मैंने गुनाह किया है जो मुझे जला रहा था, ठीक है, और मुझे इस पर कोई मैं एम्बेरस नहीं हो रही ये गुनाह करके। अगर देखा जाए तो इसने विमेंस को, विमेंस के लिए बोल्ड वर्ड्स यूज़ किए हैं, विमेंस के लिए पोइट्री लिखी है, तो शायद ये अपनी पोइट्री विमेंस को लिखते हुए कहे कि हाँ मैंने गुनाह किया है, मैंने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं, मैंने ऐसे रिलेशंस यूज़ किए हैं, लेकिन मुझे उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। क्यों? क्योंकि इस एज में वीमेन की यही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रह गई हैं, यही उनके राइट्स रह गए हैं कि दे आर मेड फॉर सेक्सुअलिटी, दे आर मेड फॉर जस्ट फॉर मेल, जस्ट फॉर मैन, उनकी अपनी कोई लाइफ नहीं है, वो उनके अंडर कंट्रोल है। तो इसने विमेंस को बोल्ड होने की, विमेंस को मॉडर्निटी की तरफ जाने की, विमेंस को अपने राइट्स लेने के लिए पोइट्री ये लिखी है, और इसने कहा है कि मैं कोई एम्बेरस नहीं। इस पूरी पोइम में आपको एम्बेरसमेंट नज़र नहीं आएगी, इस पूरी पोइम में आपको शर्मिंदगी या इस तरह के कोई भी आसार ही नज़र नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसने ये विमेंस के लिए लिखी हैं, विमेंस के राइट्स के लिए लिखी हैं, विमेंस के पेन को, विमेंस के पाथ को खोलने के लिए लिखी हुई हैं, ठीक है। इन दैट डार्क एंड साइलेंट सेक्लेयन आई लुक्ड इनटू हिज सीक्रेट फुल आईज, माय हार्ट इम्पेशेंटली शॉक इन माय ब्रेस्ट इन रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट ऑफ हिज नीडफुल आईज। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मैन की सोसाइटी, कि एक अंधेरे में मैंने उसकी आँखों में जो कि सीक्रेट से भरी हुई थी, जिनमें पता नहीं था कि हमारे लिए अब क्या है, कि वीमेन के लिए उसमें क्या है, अभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अभी हम सेफ उसकी आँखों में महसूस नहीं कर रहे, वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट फुल आईज हैं, अभी वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, उसको पता ही नहीं है कि हम हर्ट होते हैं, हमें पेन होता है, हमें भी राइट्स चाहिए, हमें भी फ्रीडम चाहिए, लेकिन उसको कभी फील ही नहीं हुआ। और मेरा जो हर्ट है वो शॉकिंगली
मेरे ब्रेस्ट के अंदर, मेरे सीने के अंदर धड़क रहा है डर की वजह से। इन रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट ऑफ हिज नीडफुल आइज, और उसकी आँखें जो कि सीक्रेट से भरी हुई थी और उसमें मेरे, हमारे लिए, औरतों के लिए नीड्स थी। वो नीड्स क्या हैं? जस्ट फिजिकल रिलेशन, नथिंग एल्स। ठीक है, इसी वजह से कि कभी भी कुछ भी हमारे साथ हो सकता है, कभी भी कोई भी मर्द उठ के हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हम किस लिए बने हैं? सिर्फ कहा जाता है हमें कि हमें, हम मैन की रिलैक्सेशन के लिए बने, मैन की डिज़ायर्स फुलफिल करने के लिए बने। ठीक है, इन द एंटायर डार्क एंड साइलेंट सेक्लेशन। अब डार्क और साइलेंट सेक्लेशन बार बार वर्ड यूज़ हो रहा है, रेपिटेशन यहाँ पे इसलिए यूज़ हो रही हैं, बता रही है कि ये दुनिया औरत के लिए कितनी तंग है, कितनी तारीख है, कितनी खामोश है, उसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकती। ठीक है, उसके लिए सिर्फ अंधेरा है, और अंधेरा ऐसा जो कि एक कमरे के अंदर होता है जिसमें सिर्फ उसको मर्द ही देख सकता है। ठीक है, आई सेट दिस हेल्ड एट द साइड हिज लिप्स पॉट पैशन ऑन माय लिप्स एस्केप्ड फ्रॉम द सोरो ऑफ माय क्रेज्ड हार्ट। यहाँ पे अपनी सिचुएशन बता रही है कि मैं एक अंधेरी रात में या एक खामोश सिचुएशन में एक साइड पे बैठी हुई हूँ। ठीक है, एंड हिज लिप्स पॉर्ड पैशन ऑन माय लिप्स, यानी कि यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे पैट्रियटिज्म नज़र आ रहा है। किस तरह के जो मेरे वतन की मेरे वतन के जो लिप्स हैं ना, उन्होंने मेरे लिप्स को बंद रखा हुआ है। मेरे वतन की जो आवाज़, मेरे वतन की जो मोहब्बत है ना, उन्होंने लिप्स यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहे हैं? यहाँ पे बोलने के लिए, और आपको हेल्प आउट करते हैं। तो कहते मेरी मोहब्बत की जो मेरे वतन की जो मोहब्बत है ना, उसने ही मेरे होंठों को भी खामोश रखा हुआ है, पॉड हुई हुई है उसके ऊपर। क्यों? क्यों ये दुनिया औरत को समझ नहीं सकती? ये औरत की खामोशी समझ नहीं सकती, ये औरत की तकलीफ़ समझ नहीं सकती। इवन कि और तमाशा बनाएंगे और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रहेगा। आई एस्केप्ड फ्रॉम द सोरो ऑफ माई क्रेज्ड हार्ट, और इसी वजह से मैं अपने दिल का जो मेरे गम था ना, उससे मैं निकल रही हूँ, इस्केप हासिल कर रही हूँ, क्योंकि एटलीस्ट मेरे वतन की मोहब्बत तो है ना मेरे साथ, जो कि मुझे भी सेफ रखने की कोशिश कर रही है, मुझे भी मोहब्बत कह रही है। आई विस्पर्ड इन हिज ईयर द टेल ऑफ लव, और फिर मैंने भी अपनी उस खामोशी, अपने वतन की मोहब्बत के कान में, अपने वतन के कान में ही बोला, आई वॉन्ट यू, कि मुझे तुमसे निकाल दिया गया है लेकिन मैं फिर भी तुम्हें चाहती हूँ। ओ ऑफ माई ऑफ माइन, आई वॉन्ट यू, ओ लाइफ की गिविंग एम्बेस, ओ क्रेज्ड लवर ऑफ माइन, यू। कहती कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारी ही हूँ, है मेरी जरजमीन, मैं तुम्हारी ही हूँ, तुमने मुझे ज़िंदगी नवाजी है। ठीक है, ओ तुम मेरी क्रेजीस्ट लवर हो और मैं तुम्हारी हूँ। ठीक है, और मैं तुम्हें चाहती हूँ। यहाँ पे उसकी वतन की मोहब्बत के लिए शो हो रहा है। डिज़ायर स्पार्क्ड अ फ्लेम इन हिज आइज, द रेड वाइन डांस्ड इन द कप, इन द सॉफ्ट बेड माई बॉडी ड्रंकली कवर्ड ऑन हिज चेस्ट। अब एक हिसाब से, एक साइड से वो एक मेल के लिए लाइंस उसने लिखी हैं कि अब एक रूम में है और उसकी आंखों में मेरे लिए डिज़ायर्स नज़र आ रही हैं कि अभी वो मुझे खा जाएगा। और साथ में वाइन इसलिए यहाँ पे यूज़ हुआ, और क्यों? वाइन को यूज़ करते हुए, शराब को यूज़ करते हुए मर्द अपने होश भूल जाता है। ठीक है, उसको पता नहीं चलता कि वो क्या कह रहा है। और उस सॉफ्ट बेड पे, उस सॉफ्ट बेड क्या है यहाँ पे, यानी कि जिस जगह पे मेल उसको लेके गया है
वो उसके उसी मेल की जगह है। और अगर देखा जाए तो मेल्स की जगहें भी बहुत कंफर्टेबल हैं, उनके लिए बनाई गई हैं ताकि अपनी डिज़ायर्स फुलफिल कर सकें, ठीक है। और उस सॉफ्ट बेड पे मेरी बॉडी उसकी चेस्ट पे मतलब बहुत ज़्यादा बेचैन है, हलचल मचा रही है, और उसके अंदर हलचल मची हुई है। एक तरफ से ये पैट्रियटिज्म यहाँ पे शो हो रहा है कि अब जो मेरी मोहब्बत, मेरा वतन, उसमें कोई आग जल रही है, ठीक है, मुझे झलक नज़र आ रही है, फ्लेम कोई उठ रही है। अब रेड वाइन एक कप में डांस करते हुए नज़र आ रही है, उसमें भी हलचल हो रही है। अब मेरी सरजमीन पे, सॉफ्ट बेड सरजमीन को भी मुखातिब कर रही है वो, कि उसमें अब मुझे कहा जा रहा है कि अब तुम कुछ करो, ठीक है। मेरे अंदर कोई वलवला उठ रहा है, मेरे अंदर हलचल मची हुई है। सेंट अ फुल ऑफ प्लेयर नेक्स्ट टू शेकिंग स्टुपफाइड फ्रॉम गॉड हु नोज व्हाट डिड इन द डार्क एंड क्वाइट सेक्लेयन। कि मैंने एक सिन किया जो फुल ऑफ प्लेयर था, अब किसको पता कि किसने किया, कौन जानता है ये कि उस अंधेरे में था, उस तारीख चुप कमरे में या चुप जगह में, तो कौन जानता है कि गुनाह किसने किया। तो इस वजह से मेरा सिन फुल ऑफ एम्बेरस फुल ऑफ प्लेयर है, ठीक है, क्योंकि इस सिन को कोई भी नहीं जानता कि क्या हुआ, किसने किया। और मैंने इसे फुल इंजॉय मैं इस फुल इंजॉयड मैंने हासिल मैंने इंजॉय किया उस सीन को, ठीक है। तो ये पोइम एक्चुअली ये लिखी गई है वतन की मोहब्बत में, पैट्रियटिज्म इसमें नज़र आता है, इसमें सेक्सुअलिटी नज़र आती है फॉर विमेन, इसमें पेन नज़र आती है फॉर विमेन, इसमें अब बोल्डनेस भी नज़र आती है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने आर्म्स का वर्ड यूज़ किया है, ठीक है, फिर नीडफुल आइज़ का वर्ड यूज़ किया है, फिर डार्क एंड साइलेंट का बार बार नज़र जो वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है, फिर लव का वर्ड यूज़ हुआ हुआ है, लव फॉर हर ऑन लैंड, ठीक है, फिर इसमें उम्मीद होप नज़र आती है, ठीक है, इसमें उम्मीद नज़र आती है कि हाँ अब औरतों के हकूक़ पे बात होनी चाहिए। ये मैंने तमाम चीज़ें औरतों के लिए लिखी हैं, और ये इसकी पोइम थी जिसको पब्लिश करने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसको एक और राइटर हैं, ट्रांसलेटर हैं, जिन्होंने ट्रांसलेट किया 2017 में, ठीक है, नॉट कन्फर्म बट इतना ही है कि 2017 में इसको ट्रांसलेट किया गया। आई होप इस पोइम की आपको समझ आ गई होगी। अब कुछ इस पोइम के बारे में पढ़ते हैं कि ये पब्लिक जो है ये तहरान एक ट्रिप पे गई थी, ईरान का ये इलाका है, तो वहाँ पे जाने जाने के बाद यहाँ उन्होंने वहाँ पे एक पोइम लिखी द सीन, जिसको रोशन फिकर की कलेक्शन थी उसमें जो कि फरियाद मोशीरी ने मैनेज की हुई थी, उसमें इन्होंने 1950s में जो प्रोमिनेंट पोइट थे उनकी कलेक्शन में इनको पब्लिश करवाया, ठीक है। द पोइम हैड अ रोमांटिक एरोटिक थीम विच वॉज़ नॉट वेरी अनकॉमन इन दिस एरा, क्योंकि वहाँ पे इन चीज़ों को बहुत रेयर समझा जाता था, बहुत बोल्ड समझा जाता था, वीमेंस को इस चीज़ों की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उनको अपने लिए आवाज़ उठाना एक मायूब काम समझा जाता था, और जो वो करता था उसको डरा धमका के उसकी आवाज़ को खामोश कर दिया जाता था। और वीमेंस को तो उन्होंने थर्ड वर्ल्ड और सबल के तौर पर रखा हुआ था, डिज़ायर्स फुलफ़िल करने के तौर पर, चाइल्ड बर्थिंग की तौर पर, ठीक है, सेक्सुअलिटी की तौर पर, फिज़िकल रिलेशन के तौर पर रखा हुआ था, ना इनको प्रॉपर्टीज़ में था, ना वोटिंग कर सकती थी, ना जॉब कर सकती थी। आपने पढ़ा होगा वीमेंस राइटिंग में, जब मैंने
वर्जीनिया वुस्टोन को, इन द सेकेंड सेक्स, और बाकी जो इसकी पोइम्स हैं, जो इनके नावल्स हैं, एसेज हैं, मैंने वो अपलोड किए हैं, तो उसमें ये तमाम चीज़ें प्रोमिनेंट हैं, ठीक है. बट द फैक्ट दैट द यंग वीमन रॉट इट मेड इट कंट्रोवर्शियल वन ऑफ दैट इंसिडेंट, मशीरी सेड इन द इंटरव्यू विद नासिर सफरियान, इट वॉज वेरी अमेजिंग फॉर मी. The person who was sitting in front of me looked more like a girl rather than a woman, because she was just 20 years old. He had written, "I made a scene, a scene rich in player, in a bosom hot like fire." ठीक है. The publication of this poem caused a lot of controversies. Obviously, बननी थी, क्योंकि ये poem कोई आम नहीं थी. इसमें फिजिकल रिलेशंस, फिजिकल टच, सेक्सुअलिटी नज़र आती है, लेकिन एक्चुअल उसके अंदर हमें पैट्रियटिज्म नज़र दिखाया गया है कि एक्चुअल में उसने किस सेंस में रहते हुए बात की, क्योंकि इसमें विमेंस का सेक्सुअल इनकाउंटर ज़्यादा है, इस वजह से इसको बहुत ज़्यादा इसमें पाबंदियाँ लग गई थी. लेकिन फिर भी इसको जो है पब्लिश करवा दिया गया, जब इसको ट्रांसलेट किया गया, जब इसके थीम्स को समझा गया. लेकिन इनके बाद ही इनके बहुत ज़्यादा वर्क्स, द वॉल, द कैप्टिविस्ट, इस तरह की बहुत ज़्यादा वर्क्स जो हैं और भी पब्लिश होने लग गए, क्योंकि इनको बहुत जल्द रीडर्स का रिस्पांस मिलने लग गया था, जो कि पॉजिटिव वे में था. नेगेटिव वे में कम था, पॉजिटिव वे में ज़्यादा था, जिसकी वजह से इनकी राइटिंग को प्रमोट किया जाने लगा. ठीक है, तो यही थी हमारी आज की वीडियो. आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट. दुआ में याद रखिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.